हम लोगों ने बहुत सारे खूनियों को पकड़ा है, शायद ही कोई खूनी छूटा होगा हमारे हाथों से। जैसे ही पता चलता है कि खून हो गया है, हमारे दिमाग में एक करंट जैसा कुछ दौड़ जाता है। खूनी का एक छोटा सा बाल भी मिल जाए तो डॉक्टर सालुन के उसकी खाल निकाल के खूनी का पता तक बता देते हैं, मगर इस खूनी ने हमारे नाक में दम कर दिया था। इस वाले खूनी ने, मतलब इस केस में जो खूनी था वो। ज्यादातर खूनी होते हैं खून करके भाग जाते हैं, मगर ये वाला खूनी, ये सीआईडी को एक लेटर लिखता है। लेटर, वो भी कब? खून करने से पहले। या सुना आपने, खून करने से पहले लेटर में वो एक सवाल पूछता है। सवाल सीआईडी से वो सवाल पूछता है, इतनी हिम्मत उसकी हा? आप खुद ही देख लीजिए क्या क्या लिखा उसने। पता है सर आपको, विवेक अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देने वाला है। सर ठीक हो सर? आते ही इतनी बुरी खबर, 6 महीने में इसने चाय तक नहीं पिलाई किसी को, ये भला अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या देगा? सर मेरी गर्लफ्रेंड लाखों में एक है सर, और हमारा प्यार एकदम सच्चा है। सच्चा? देखा सब सब, वो मुझे हर रोज खत लिखती है सर। खत तो हमें भी लिखा करती थी लड़कियां एक जमाने में। आपको सर क्यों शौक लगा? कुछ लेटर्स को तो मैंने अभी तक छुपा के रखा है। अभी तक रखे? हाँ, आधे तो वैसे ही है बंद के बंद। पता नहीं उन लड़कियों ने क्या लिखा होगा आपके बारे में, और आपने खोले भी नहीं। How sad. पर सर आपने रखे कहाँ पे वो लेटर्स? घर में। क्या घर में छुपा के रखे? हाँ। अरे क्या छुपा के रखा घर में? अरे कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। पैसे छुपा के रखे हैं? पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ से आए सर? क्या छुपा के रखा है इसने घर में? सर मैं बताती हूँ, फ्रेडी सर ने कुछ पुराने लव लेटर्स घर में छुपा के रखे हैं। फ्रेडी? अरे सर वो पुराने लव लेटर्स है सर। अरे पुराने हैं फिर भी घर में रखे हैं, फेंके नहीं अभी तक? कैसे फेंकू सर, उनमें ना उनमें मेरी कुछ यादें छुपी हुई है, मीठी मीठी सी। मीठी मीठी? पर एक लेटर भी भाभी जी ने पढ़ लिया तो? वो कैसे पढ़ेगी सर? नहीं फ्रेडी, बहुत बुरी खबर है ये, घर में रखे ऐसे लेटर्स, एक लेटर भाभी जी ने पढ़ लिया ना तो आग लग जाएगी आग। एक बात बताओ, आजकल भाभी जी कुछ उकड़ी उकड़ी से रहती है? हाँ मार के बात भी कम करती है? अरे हाँ सर। सर आपका मतलब है कि? हाँ लावण्या, भाभी जी ने लेटर्स पढ़ लिए। अरे सर इतनी बुरी बात मत बोलना सर, मैं अभी फोन करके पता कर लेता हूँ। नहीं सर आप मत फोन करना सर, मैं अपनी स्टाइल में पूछ लूंगा, उसके पैरों में गिर जाऊंगा सर। लेकिन आप फोन मत करना सर। तुम कैसे पूछोगे, तुम्हारी नाव तो डूब चुकी है, मैं अपने स्टाइल में पूछ लेता हूँ। हेलो। अच्छा ठीक है, बाहर एक कुरियर आया है, विवेक लेके आओ जरा। अभिजीत मैं तुम्हें, फ्रेडिक्स को क्या हो गया? सर वो मैं मैं बताता हूँ क्या हुआ। सर फ्रेडी के घर में कुछ पुराने लव लेटर्स। क्या फ्रेडिक्स लव? कुरियर, अजीब बात है कि भेजने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा है सर। ये तो कुछ निशान है सर, कुछ कोड वगैरह लगता है। चिट्ठी भी है। मैं बहुत जल्द एक खून करने वाला हूं, रोक सको तो रोक लो। किसका खून करने वाला हूं इसका जवाब तुम्हें
निशानों में मिलेगा। दो लाइनें हैं, क्या क्या मतलब हो सकता है इन लाइनों का? इसी से पता चलेगा कि खून कहाँ होने वाला है। एक भी पॉइंट का पता चल जाता ना जहां से शुरू हो रहा है तो बाकी सब अपने आप खुल जाता। हाँ एक्सपर्ट साहब, कोड ब्रेक हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं सर, लगा हुआ। नहीं बहुत जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वहां पर खून होने वाला होगा। सर मुझे जहां तक लगता है कोई ना कोई चक्कर तो पता लग गया मुझे। तो फिर बताओ ना। सर ये देखिए सर, ये तो अल्फाबेट्स है। हाँ सर, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट सर, इन लाइनों पे लगाते हैं तो ये दो वर्ड्स बनाते हैं सर, एक तो किंग और ये दूसरा फोर। किंग एंड फोर? यस सर। ये देखिए सर, पहली लाइन पे ये के बाद आई, उसके बाद ये एन, उसके बाद ये जी, और ये सर दूसरी लाइन पे ये देखिए एफ, उसके बाद ओ, फिर यू, फिर आखिर में सर आर। किंग एंड फोर, राजा और चार, राजा और चार, किंग एंड फोर। सर चार मुंह वाला राजा। सर चार मुंह वाला राजा? कहीं अशोक चक्र तो नहीं? अशोक चक्र वो कैसे सर? हाँ अशोक चक्र में चार शेर होते हैं और शेर होता है जंगल का राजा। अरे हाँ, कहीं ये अशोक चक्र की मूर्ति की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? हो सकता है, मुंबई का मैप देखते हैं। ये रहा सर, चार शेर वाली मूर्ति कार्टर स्ट्रीट पे है सर। लावण्या, कार्टर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन फोन करो, पता करो वहां पर कोई खून हुआ है क्या। यस सर। हेलो, मैं लावण्या बोल रही हूँ सीआईडी से। कार्टर स्ट्रीट के रोड के आसपास कहीं खून हुआ है? तला भी दबाया और चाकू से वार भी किया। सर क्या माधवन जी से बात करें? सबसे पहले लाश इन्होंने ही देखी थी जी। अच्छा, लाश के अलावा आपने किसी और को भी देखा? नहीं, मैंने तो बस एक चीख सुनी थी। तो जब ये चीख की आवाज सुनी तब आप कहाँ थे? जी मैं अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके गाड़ी में बैठने वाला था कि अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी, भाग कर आकर देखा तो ये लाश मुझे दिखाई दी इस आदमी की। आपने और कुछ नहीं देखा? You're absolutely sure. कुछ सुना है, देखा होता तो मैं आपको जरूर बताता। ऐसे भी ये खून भरी लाश देखकर हालत खराब हो गई मेरी। I know, I understand. इसे किस फिल्म की शूटिंग खत्म करके आप लौट रहे थे? जी मेरी नई फिल्म 13B. 13B? बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है। यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म भी है। जब आपने चीख सुनी तब आप गाड़ी में बैठ रहे थे जी, तो गाड़ी क्या आप खुद चलाते हैं? जी आज मैं खुद ही चला रहा था। आप तो एक स्टार हैं तो कार अपने आप चलाना क्या? कि रजिस्ट्रेशन का टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े पैसे बचा लूं। एक्चुअली मेरी ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई चोज टू ड्राइव मायसेल्फ टुडे। अच्छा माधवन साहब, आपकी गाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ी थी? सर होटल के बाहर उस गली में खड़ी थी। होटल में पार्किंग फुल था और इतनी सारी गाड़ियों के बीच में मुझे अपना गाड़ी लगाना मंजूर नहीं था। और बजे कितने थे? सर इस सवाल का जवाब मैं आपको ठीक तरीके से दे सकता हूँ, ठीक एक बजे थे। सर ये देखा आपने, जमीन पे कुछ लिखा हुआ है। ये क्या अजीब चीज है? वैसे मुझे पता नहीं आपको ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब से मैंने ये फिल्म की शूटिंग शुरू की है 13B, तब से ठीक एक बजे यानी कि 1300 आवर्स कुछ ना कुछ कांड जरूर होता रहा है। आज देख लीजिए मुझे ये लाश मिल गया। अच्छा और क्या क्या हुआ दोपहर को एक बजे आपके साथ? कल ठीक एक बजे जनरेटर एक्सप्लोर कर गया। वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं लेकिन इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। एनीवे थैंक यू माधवन साहब, लवली मीटिंग यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू। और अगर हमें और भी कुछ ज़रूरत पड़े तो आपको फिर से तंग करेंगे? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई तंग नहीं साहब, एनी टाइम। थैंक यू, बाय बाय। इस आदमी की जेब में से वॉलेट और ये कार्ड मिला है। इस आदमी का नाम डॉक्टर अनुभव है, एक सर्जन है सर, जीवनधारा हॉस्पिटल में। सर्जन? इतनी दोपहर में
पैदल कहाँ जा रहा था ये? सर, किसी की कार की चाबी भी मिल रही है इसके पॉकेट में से सर। अरे इसकी जेब में से मिली है तो इसी के कार की होगी ना। इसके जेब में ये लाइब्रेरी का कार्ड भी है तो फिर इसने अपने कार्ड लाइब्रेरी के आसपास तो नहीं काटती? ईश्वर चंद लाइब्रेरी, कार यहीं कहीं होगी सर। कौन सी कार हो सकती है, कौन सी कार हो सकती है? हाँ सर, शायद ये वाली कार हो सकती है सर। तो चाबी लगा के देखो ना। एक मिनट सर। सर गाड़ी तो यही है उसकी। सर गड़बड़ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं हो रही? क्या बोले कला? कैसे होगी सर, बाहर निकला हुआ। मतलब धीमी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, पहले गाड़ी खराब कर दी और फिर तो शायद अनुभव किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए गया होगा वहाँ। और खूनी रास्ते में तैयार होकर बैठा रहा खून करने के। हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसे ही है। लेकिन सर एक सर्जन की किससे दुश्मनी हो सकती है? ये तो उसके घर वालों से भी पूछना पड़ेगा। काश कि मैं कुछ बता पाती आपको, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। अनुभव के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या आपको किसी पर शक है? उनका तो कोई दुश्मन था ही नहीं, फिर शक किस पर करूं? कोई तो दुश्मन है, तभी तो खून हुआ है उनका। कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे अनुभव जी की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे ये सब किसे मिलने वाले हैं? किसको मिलेगा? उनके भाई अभिनव के सिवा और किसको? सर कहीं अभिनव ने तो नहीं मारा अपने भाई को? आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती कैसे हैं? वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए एक बात तो तय, कोई भी बिना बात के तो खून करेगा नहीं, कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। मानती हूँ कि कारण होता है, पर एक सगा भाई कैसे सोचेगा ऐसा अपने भाई के बारे में? अच्छा हाल में ही उनकी किसी के साथ कोई बहस, कोई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ था क्या? बहस? हाँ, एक आदमी था। कौन था वो? एक मैकेनिक था, लाइब्रेरी के पास वाली गली में रहता है वो। मैकेनिक? क्या क्या काम आ पड़ा डॉक्टर साहब के साथ? उसकी वाइफ का इलाज कर रहे थे अनुभव, ब्लड कैंसर था उसे, पर वो बच नहीं सकी, मौत हो गई उसकी। इसलिए वो मैकेनिक उन्हें धमकी देकर गया था कि अगर उसकी वाइफ नहीं बचेगी तो वो उन्हें भी जान से मार डालेगा। अच्छा, इतनी देर से यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे हम। बाय द वे, क्या नाम है उस मैकेनिक का? तनकेश। तनकेश, शहर में हर मोहल्ले हर कोने पे एक पान वाला है। पान की पिचकारी से बनी हुई पेंटिंग हर बिल्डिंग के कोने कोने में बनी है। सामने एक पान वाला है। इन्हें सब मालूम होता है, सब देखते रहते हैं, किसी से पूछते हैं। चलो सुनिए भाई साहब, क्या बता सकते हैं ये तनकेश कहाँ मिलेगा? वो मैकेनिक। हाँ वही मैकेनिक। वो क्या खड़ा है सामने? रुक, ओलंपिक्स है, भागने का बहुत शौक है तुझे? बहुत। क्यों मारा अनुभव? अनुभव कौन? अनुभव? अच्छा, अनुभव का नाम नहीं सुना? उस डॉक्टर को फोन किया जो तेरी बीवी की जान बचा नहीं पाया? वो
बड़ी जल्दी याद आ गया इसे सर। क्या याद है बता? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा उसे। अच्छा, मैंने तुझसे इतना पूछा कि क्या याद आया, मारने की बात तो मैंने की नहीं थी। अचानक तेरे मुंह से कहां से निकल गया? धमकी दी थी ना उसे जान से मारने की? लेकिन वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बंद दिया था। माँ के समझा, मैंने नहीं मारा उसे। आलावन क्या? और एक चिट्ठी आई। ये कोर्ट तो पहले से बिल्कुल ही अलग है। हाँ सर, ये मुझे पहले वाले से कुछ ज्यादा ही परेशान भी कर रहे हैं। मगर है तो ये कुछ अल्फाबेट जैसा ही ना? हाँ है तो सर ABCD जैसा ही। मगर नहीं नहीं बॉस, इतना बोलकर नहीं चलेगा। 15 घंटे हो चुके हैं, अगर ये कोड ब्रेक नहीं हुआ तो और एक खून हो जाएगा, समझे? सर लगा तो हुआ हूँ सर। नहीं बॉस। हाँ कहिए सर, कुछ पता चल रहा है? काफी जुनून सवार है खूनी के दिमाग पे सर, इसीलिए तो खून किए जा रहा है लोगों। इसकी लिखावट को देखकर साफ पता चलता है कि ये एक शिजोइड पर्सनैलिटी है। मतलब इस तरह की लिखावट के लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करते हैं, एक एक चीज का खास ख्याल रखते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके, या यूं कहिए कि परफेक्शनिस्ट। मतलब खूनी हमारे लिए कुछ ज्यादा सुराग छोड़ने वाला नहीं है। एक बात और सर, खूनी खून करने से पहले खून करने की पूरी रिहर्सल करता है। खून का रिहर्सल? ये कैसे हो सकता है? हर खून करने से पहले उसने खून को कम से कम 10 बार अपने दिमाग में चलाया होगा, बिल्कुल एक टेप की तरह, और ठीक उसी ही ढंग से उसने वो खून भी किए होंगे। यस, मिल गया। सर वैसे ये पिछली बार से ज्यादा लंबे नाम है, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप और एंट्री पॉइंट 10 नंबर जैसी कोई चीज। प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कोई पूजा करने की जगह, मतलब मंदिर या वैसी कोई जगह। एंट्री पॉइंट मतलब अंदर जाने का रास्ता। कोई गेट, कोई दरवाजा? मंदिर का दरवाजा सर, चर्च का दरवाजा भी हो सकता है। हाँ, चर्च, चर्च गेट, चर्च गेट। माय गॉड, मतलब अगला खून चर्च गेट में होने वाला है और 10 बजे होने वाला है। हाँ सर, RG भी लिखा हुआ है उसके आगे, जैसे पिछली बार AG लिखा हुआ था अनुभव के मर्डर से पहले। सर उसी तरीके से इस बार RG लिखा हुआ है। माय गॉड, इसका मतलब है RG इनिशियल्स के किसी आदमी का खून होने वाला है। एक काम करो, डायरेक्टरी से पता करो चर्च गेट में कितने लोग हैं जिनके इनिशियल्स RG हैं, और उन सबको वॉर्न करो। ओके टेक केयर। सर करीब 50 लोग हैं चर्च गेट में जिनके नाम का इनिशियल RG से है। 30 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है सर कि उनकी जान को खतरा है। चलो कम से कम हमने उन्हें सावधान तो कर दिया। रूपा जी बोल रही हैं? जी कहिए। देखिए मैं CID से बात कर रहा हूँ फ्रेडी। एक मिनट जरा होल्ड करिए। तुम यहाँ कैसे? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ फ्रेडिक्स? कुछ गड़बड़ लग रही है सर, ये औरत शायद किसी को देखकर चौंक गई और फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। अब तुम्हें दोबारा फोन करो ना। यस सर। सर एक प्रवीण कुमार है। हाँ। चर्च गेट में 104 उर्वशी सोसाइटी। सर। हाँ। कमाल है सर, अभी अभी तो इसी नंबर पे फोन किया था, अब आउट ऑफ ऑर्डर बता रहा है। आउट ऑफ ऑर्डर? सर मुझे लगता है गड़बड़ शायद इस औरत के घर में ही है, कहीं खूनी यहाँ तो नहीं पहुंच गया। रूपा है घर में? ओह नो। तुम कौन हो? मैं रूपा की सिस्टर हूँ। ये तुम्हारे सामने हुआ? नहीं, मैं घर पर नहीं थी, मैं 10 मिनट पहले आई और मैंने देखा कि दीदी यहाँ पड़ी हुई है। सर ये देखिए, यहाँ पे भी वैसा ही निशान है जो हमें पहले वाली लाश के पास मिला था। और सर खून भी ठीक उसी तरह से किया गया, ये देखिए छाती पे चाकू से वार किया गया। मतलब ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। कौन है वो आदमी? आपको किसी पे शक? कौन हो सकता है? नहीं सर, यहाँ से एक अंगूठी गायब है। तुम्हारी दीदी इस उंगली में अंगूठी पहनती थी? हाँ, हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? इसके किसी बॉयफ्रेंड ने दी थी क्या? हाँ, एक लड़का था, पर काफी दिनों से उन दोनों में बहुत झगड़े हो रहे थे। अच्छा, झगड़े हो रहे थे? हाँ, दीदी तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तो बात इस हद तक गई थी। क्या नाम क्या है उस लड़के का? मनु।
मनु दिन में ही दारू कौन है आप लोग सीआईडी रूपा का खून करके यहाँ दारू पी के मजे कर रहे हो है? क्या रूपा का खून हो गया ए, ड्रामा बंद कर समझा देखिए मैं उससे प्यार करता था सब आशिकों का यही कहना होता है प्यार करता था और बाद में खून है तलाशी लो उसकी हाथ ऊपर करो सर ये देखिए क्या ये ये हीरे की अंगूठी तुम्हारे जेब में कहां से घुसी मुझे नहीं पता नहीं पता हाँ मैं रूपा के पास गया था और उसी ने मुझे ये अंगूठी वापस दी तो तुमने खून कर दिया उसका नहीं अच्छा तो खून तुम्हारे वहां से जाने के बाद हुआ है हाँ झूठ बोल रहा है ये इसकी हैंडराइटिंग चेक करते हैं मिला के देखते हैं पता चल जाएगा ये आशिक प्यार भरे गाने गा रहा था या खून भरे हाँ अभिजीत कुछ बात बन रही है हाँ सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलवा तो लिया है मनु की लिखावट से उन चिट्ठियों की लिखावट को मैच करके देख रहे हैं कहिए एक्सपर्ट साहब कुछ पता चल रहा है नहीं सर मुझे नहीं लगता ये खत मनु ने लिखे हैं आपको पूरा यकीन है बिल्कुल ये भी तो हो सकता है इस मनु ने अपनी लिखावट जानबूझ के बदल ली हो नहीं सर अगर कोई जानबूझकर अपनी लिखावट बदल भी ले तो भी उसके लिखने का ढंग मेरा मतलब है लिखने के प्रेशर पॉइंट्स नहीं बदल सकता अभिजीत मुझे पहले से ही लग रहा था चलो हमने एक मिनट के लिए मान लिया कि रूपा का खून मनु ने नहीं किया है मगर मनु अनुभव का खून क्यों करेगा जी सर मनु के पास कोई मकसद नहीं था अनुभव को मारने का सर एग्जैक्टली मतलब सर हम लोग फिर से वहीं पे पहुंच गए जहां पे पहले थे खूनी आजाद घूम रहा है और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं मिल गया सर क्या मिल गया ये देखिए सर ये निशान जो खूनी छोड़ के गया था दरअसल ये एक जापनी शब्द है जिसका मतलब है गंदगी या इम्प्योरिटी क्या बताना क्या चाहता है खूनी हमें शब्द से सर कहीं ये कोई पागल खूनी तो नहीं जो निकल पड़ा है समाज की गंदगी दूर करने लोगों का खून करके अभिजीत एक काम करो इन दोनों खून में या इन दोनों मरने वालों में पता करो कोई संबंध है क्या अरे इन दोनों मरने वालों के बारे में कुछ पता चला हाँ सर अनुभव और रूपा इन दोनों के ऊपर खून के केस चल रहे थे पर ठोस सबूत ना मिलने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था तो कहीं ये खून इस केस से जुड़े हुए तो नहीं है सर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है जो इन लोगों से बदला लेना चाहता हो सर सर एक और चिट्ठी आई है सर शायद उसी खूनी ने भेजी देखो दादा बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम सीआईडी वालों पर मैंने तो सोचा था कि मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में पर तुम तो इस लायक ही नहीं हो फिर भी एक और मौका देता हूं तुम्हें रोक सको तो रोक ले मुझे एक बार हाथ लग जाए ना तब पता चलेगा सर एक और कोर्ट भेजा उसने एक और कोर्ट हाँ एक और कोर्ट चलो एक्सपर्ट साहब जल्दी देख लो पता लगाओ जल्दी इसमें तो सिर्फ नंबर्स लिखे हैं 5118251975 5118251197 ये क्या हो सकता है अगर मेरा अंदाजा सही है सर तो पिछले वाले कोर्ट में और इस कोर्ट में कोई ना कोई पैटर्न जरूर है सर क्या मतलब सर पिछले वाले कोर्ट में खूनी ने मरने वालों के नाम के अक्षर आखिर में लिख के भेजे थे सर हाँ तो सर उस हिसाब से इस बार खूनी जिनको मारना चाहता है उनके नाम के अक्षर एस और जी होंगे सर वो कैसे इसमें आखिरी तीन नंबर है 197 अगर इंग्लिश के 26 अक्षरों के हिसाब से हम जाएं तो 19वें नंबर पे आता है एस और 7वें नंबर पे आता है जी लेकिन अब ये 5111825 ये क्या हो सकता है 511 सर कहीं ये बस का नंबर तो नहीं है रेडी हो सकता है 511 बस का नंबर 1825 625 625 6:25 लावण्या पता करो 511 नंबर की बस 6:25 पर कौन से बस स्टॉप पर होती है चेक करो जल्दी यस सर सर
लिफाफे पे एड्रेस गलत है सर, ये देखिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ सर, मगर खूनी तो एक परफेक्शनिस्ट है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। राइट सर। हाँ 511 नंबर की 3 बसेस हैं, जो 6:25 को 3 बस स्टॉप्स पे रुकती हैं। कालिंदी बस स्टॉप, प्रज्वल बस स्टॉप और श्रीनाथ बस स्टॉप। सर ये तीनों बस स्टॉप तो गोपीनगर इलाके में। हाँ इसका मतलब है अगला खून गोपीनगर इलाके में होने वाला है, उस आदमी का जिसका नाम एस और जी से शुरू होता है और जिसके ऊपर खून का केस भी चल रहा हो। पता करो दया। तो ये है श्याम गुप्ता का। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यार ज्यादा टाइम नहीं है, दरवाजा तोड़ दो। माय गॉड। विवेक पूरे घर में देखो। नहीं दया, इज नो मोर। इसको भी बिल्कुल वैसे ही मारा है, छाती पे कई वार किए चाकू के। सर ये देखिए। तो वही शब्द है, जापानी शब्द गंदगी। सर शायद खूनी भाग गया है सर, पीछे का दरवाजा खुला था। अरे सर इस आदमी की बीवी ऊपर है सर, बहुत बीमार है, चल नहीं सकती। ओ चलो वही चलकर पूछताछ करते हैं। पापा पापा आपने कुछ देखा जब आपके पति का खून हुआ, या सुना कोई आहट, कोई चीख, कुछ बातचीत? नहीं, सिर्फ घंटी की आवाज सुनी थी मैंने, वो दरवाजा खोल ले गए। और कोई और था उस वक्त घर में? और कोई तो नहीं। हाँ माली था, बाहर घास काट रहा था। जरा से जल्दी बुला के लाना। अच्छा आपको आपको किसी पे शक है? पिताजी तो संत आदमी थे, उनका दुश्मन कौन हो सकता है? संत आदमी थे तो खून का केस क्यों चल रहा था उनके खिलाफ? खून खून का मुकदमा चल रहा था लेकिन कुछ कुछ साबित नहीं होता सर, वो खूनी नहीं थे। तुम यहाँ घर पे थे दोपहर में? हाँ जी। तो आपने देखा था घर में किसी को आते हुए? हाँ साहब, वो श्याम साहब की सेक्रेटरी उनको मिलने आई थी। क्या वो चुड़ैल आई थी? चुड़ैल? हाँ वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है, फंसा लिया उसने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में। फंसा दिया था? हाँ सर माँ ठीक कह रही है, दरअसल वो पिताजी को फंसाकर उनकी दौलत लूटना चाहती थी। आई सी। ये सेक्रेटरी कहाँ मिलेगी? तो अफेयर चल रहा था तुम्हारा अपने बॉस के साथ में है? क्या? हाँ चल रहा था। तो क्या चल रहा था? तो श्याम तुम्हारा बॉस एक शादीशुदा आदमी था, एक परिवार वाला आदमी, तुम्हारी बाप की उम्र का आदमी, और तुम कह रहे हो उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था? तो वाह, अगर उन्हें अपने घर परिवार वालों की चिंता नहीं थी तो भला मुझे क्यों होने लगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। ओ मतलब तुम प्यार करती थी श्याम से? नहीं नहीं। तो फिर शादी क्यों करना चाहती थी? उसके पैसों के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो अब समझ में आया तुम्हारा खेल है? पैसों के लिए शादी करना चाहती थी ये शाम से, और जैसे ही शाम को पता चल गया इसने उसका खून कर दिया। क्यों? क्या मैंने नहीं मारा है श्याम को? तुमने किया है खून अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। दूसरा बॉयफ्रेंड? हाँ दूसरा बॉयफ्रेंड। कौन सा दूसरा बॉयफ्रेंड? वो तो तुम ही जानती हो, हमारे गवाह ने हमें बताया कि वो तुम ही थी जो शाम से मिलने गई थी उसके मरने से पहले एक लड़के के साथ। कौन था वो लड़का? बता दिए कौन था वो, या कोई और तरीका अपनाऊं? बोल। मैं सच बोल रही हूँ,
मैं अकेली ही गई थी उनसे मिलने के लिए। फिर तो मामला साफ है, खून तुमने किया है, क्योंकि उसके मरने से पहले तुम गई थी मिलने उससे। नहीं, एक लड़का था जो मेरे बाद उनसे मिलने आया था। लड़का कौन था वो? दिखने में तो वो सेल्समैन जैसा लग रहा था। सेल्समैन? हाँ, उसके पास एक बैग था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या क्या लिखा था, कुछ याद है? हाँ, उस बैग पर शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। क्या नाम था इंश्योरेंस कंपनी का? शायद एवी इंश्योरेंस। एवी इंश्योरेंस कंपनी। जी कहिए, कौन सी पॉलिसी खरीदेंगे आप? नहीं, हम पॉलिसी खरीदने नहीं आए, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछने आए? जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमारे पास ये तीन नाम हैं, अनुभव, श्याम और रूपा। हम ये जानना चाहते थे इनमें से किसी ने आपसे कोई पॉलिसी खरीदी है क्या? एक मिनट। जी हाँ, ये तीनों ही हमारे क्लाइंट थे। ग्रेट, तो क्या आप बता सकते हैं किस एजेंट ने इन तीनों को पॉलिसी बेची थी? एक मिनट। जी, विक्रम ने। विक्रम? इस विक्रम का पता चाहिए हमें। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले? हो सकता है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कोई सबूत मिल ही जाए। विवेक, अंदर कुछ मिला? नहीं। सर, ये देखिए चाकू। सारे खून इसी चाकू से किए गए। ये देखो, शर्ट, कर्चिप, ग्लव्स। मतलब सभी खून विक्रम ने किए सर, पर वो तो भाग चुका। कोई बात नहीं, उसका घर ढूंढ लिया है, ये सारे सबूत ढूंढ लिए हैं, उसको भी ढूंढ लेंगे। सर, ये फाइल मिली सर। ये क्या, अनुभव, रूपा, श्याम, रणविजय? अनुभव, रूपा, श्याम, ये तीनों तो मर चुके हैं। का मतलब इस विक्रम का अगला शिकार ये रणविजय है। सर, मेरी बात मानिए, अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। यार, आप तो हर पॉलिसी के लिए ऐसा ही कहते हो और मुझे पटा लेते हो। सर, वाकई में ये पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ठीक है, अब इतना कह ही रहे हो तो ये पॉलिसी भी ले लेते हैं। बोलो कहां साइन करना है। एक मिनट। बस विक्रम, हिलना नहीं तो गोली मार दूंगा। हाथ हाथ निकालो। तीन तीन खून करके अब इन्हें मारने चला है? क्या, तीन तीन खून? हाँ, पहले लोगों का इंश्योरेंस करता है और बाद में खून कर देता है। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, कोई खून ही नहीं हूँ। तुम क्या हो और क्या नहीं, ये ब्यूरो में जाके पता चलेगा। ले चलो इसे। हाँ तो विक्रम, इतनी क्या आग लगी हुई थी दिल में जो धनाधन खून कर दिए? किस खून की बात करें आप लोग? अरे, इसे तो कुछ याद नहीं है, ये तो सब भूल गया सर। जिन लोगों का इंश्योरेंस किया उन्हीं का खून कर दिया है? पर मैं अपने कस्टमर्स का खून क्यों करूंगा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों किया खून अनुभव, रूपा और श्याम का? वो भी तो तुम्हारे कस्टमर थे। आप कुछ भी कह लीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। लो, इसका यकीन करो, इसने खून नहीं किया है। और चाकू, ग्लव्स, इंश्योरेंस का बैग, वो सब कैसे पहुंचे तुम्हारे घर में है? मुझे नहीं पता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है मुझे किसी ने फंसाया हुआ है। और तो और, ये भी भूल गया है कि वो जो लेटर्स हैं वो इसी ने लिखे हैं। मैंने? हाँ, लेटर्स पे हैंडराइटिंग तुम्हारे ही है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? जब मैंने खून नहीं किया है तो मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक, नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओगे? क्या करेंगे उसमें?
कुछ नहीं, एक इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, दिमाग की और दिल की धड़कन देखेंगे। ओके ठीक है। साळुंखे, उसे उसका नाम पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम। रूपा श्याम और अनुभव को जानते हो? हाँ, वो मेरे क्लाइंट थे। उन तीनों का खून हो गया है, पता है ना? हाँ। उन्हें क्यों मारा तुमने? रूपा, अनुभव और श्याम को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं किया। उससे पूछो सबूत उसके घर पर कैसे मिले। विक्रम, इन तीनों के खून के सबूत तुम्हारे घर से मिले कैसे? मुझे नहीं पता। सही बोल रहा है बॉस। हाँ सर, एक बहुत ही अजीब सी बात पता चली है सर। क्या? सर, विक्रम के घर से जो इंश्योरेंस पेपर्स रखने का बैग मिला है, उसका जो हैंडल है वो स्ट्रैप वाला। हाँ सर, वही। क्या हुआ उसका? सर, उसके अंदर की तरफ कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं जो विक्रम के नहीं है। सर, यहाँ पे मिले वो निशान। ये निशान और भी कहीं मिले? नहीं सर, और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे ट्रैक के नीचे। आखिर गलती करी क्या खूनी? बैग के ऊपर से तो सारे निशान मिटा दिए, पर यहाँ स्ट्रैप पे मिटाना भूल गया सर। एक काम करो अभिजीत, सब के सब को बुलाओ शाम के घर पर। आप लोगों के हमने इसलिए बुलाया कि हमें खूनी का पता चल चुका है। क्या? कौन है? कहीं ये चुड़ैल ही तो नहीं है? वो यही है, इसी कमरे में है, आप सबकी आंखों के सामने है। खूनी का नाम बताने से पहले हम आप सबके उंगलियों के निशान लेना चाहते हैं। क्या? मैं क्यों दूं अपनी उंगलियों के निशान? एक तो मेरे पति का खून हो गया है और आप मुझसे ही मांग रहे हैं उंगलियों के निशान। ये सही नहीं है, आप लोग इस तरह से हम सबकी बेइज्जती नहीं कर सकते। देखिए, हम आप सबके उंगलियों के निशान इसलिए ले रहे हैं ताकि हम खूनी को ठोस सबूत के साथ पकड़ सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके परिवारों को उजाड़ने वाले खूनी को सजा मिले तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए। सर, फिंगरप्रिंट्स तो हम दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि खूनी का नाम क्या है। सबर करो सतीश, सबर का फल मीठा होता है। पहले हमें लग रहा था ये कोई सीरियल किलर है जो शहर में खून कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। सीरियल किलर नहीं है तो फिर? वो जो तीसरी चिट्ठी हमें मिली खूनी की, उसमें जो एड्रेस लिखा था उसमें एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। यहीं पे हमारा माथा खनका। हमें लगा कि जो खूनी इतना बड़ा परफेक्शनिस्ट है वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है। और दूसरी बार हमारा माथा तब खटका जब विक्रम के घर से वो चाकू और बाकी के सबूत मिले। तो फिर ये खून किए क्यों गए? खून तो खूनी सिर्फ श्याम का करना चाहता था, बाकी दो खून उसने हमें गुमराह करने के लिए किया ताकि हमें लगे कि शहर में सीरियल किलिंग हो रही है और हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए। और इसीलिए खूनी ने जानबूझकर गलत एड्रेस लिखा लिफाफे पे ताकि वो खत हमें देर से पहुंचे और वो श्याम का खून आसानी से कर सके। मगर एक गलती कर गया वो, विक्रम के इंश्योरेंस बैग पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। विवेक, फिंगरप्रिंट्स लो सबके। सर,
फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं सर, हमारा शक ठीक निकला है सर। तो आप है वो? कैसी औलाद है तू? अपने ही बाप का खून कर दिया? वो मेरा बाप नहीं था, मेरा सौतेला बाप था। वो सौतेला था तो क्या हुआ, था तो बाप ही ना। लेकिन वो मेरी माँ को धोखा दे रहा था, मैं शादी के सपने देख रहा था उस जवान सेक्रेटरी के साथ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। बाप के खून करने का तो एक बहाना ढूंढ लिया तुमने, पर विक्रम को क्यों फंसाया? उसका तो तुमसे कुछ लेना देना था नहीं है? विक्रम जिस इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में मैंने भी कुछ दिनों तक काम किया था। मुझे मालूम था विक्रम में किन किन लोगों की पॉलिसीज निकाली है। लोग भी न जाने क्या क्या तरीके ढूंढते खून करने के। तुमने अपने सौतेले बाप के साथ साथ दो और लोगों का खून कर दिया, जिनकी इंश्योरेंस विक्रम ने बनाई थी, जिन्हें वो अच्छी तरह से जानता था। तुम्हें लगा कि पुलिस तुम पर शक नहीं करेगी, विक्रम को पकड़ लेगी, लेकिन तुम चाहे कितने भी होशियार हो, सीआईडी से बच नहीं सकते, समझे? अब जेल में बैठकर दिन रात चिट्ठियां लिखना, वो तरह तरह के निशान और कोर्स वाली चिट्ठियां। हाँ, जल्दी जल्दी लिखना, कहीं टाइम कम ना पड़ जाए। तीन तीन खून किए हैं, फांसी तो होके ही रहेगी। If you want to enjoy more Desi Crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.